बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कीमती वक्त से हमारे लिए निकाला और हमने शॉर्ट नोटिस पे आप लोगों को मैसेज किया यादव साहब ने, और आप आए, इसके लिए हम आपके मशहूर हैं। आपके साथ हमने बात ये करनी थी कि 5 तारीख को मर्सी स्टाफ के एक हॉस्पिटल में एक वाकया हुआ था, जिसमें डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मोहम्मद मली साहब, उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया और गोलियां लगी उनको, और ये बिल्कुल एक ब्लाइंड केस था जिसका मज़ीद हमें कोई मालूमात नहीं हो रही थी। दाएं बाएं से भी हमने पूछा, खुद भी गए हैं एसपी सरयाल और तमाम हमले के साथ वहाँ पर, इसका हमें बिल्कुल भी क्लू नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है वो बिल्कुल ही मेन शाखा पे था और ये कोई पुणे साहब बजे का टाइम था। यहाँ पे ये एक शख्स आया और उन्होंने जो है वो वहाँ पे खड़े होकर उसके बाद उन्होंने गोली चलाना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब को सिविल हॉस्पिटल जैसे ही लेकर आए, वहाँ पे जो है वो शहीद हो गए, और उसके बाद फिर टीम ने जो है वो बड़ी महारत से इस पर काम किया, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ जो भी इस तरह की कोई वो कार्रवाई होती है तो वो एक हमारे लिए उस पर जो है एक अच्छा खासा एक सवाल निशान बन जाता है ग्राउंड लेवल सिचुएशन पे कि डॉक्टर इस शहर में महफूज नहीं हैं, और जो इनकी डॉक्टरों की सिचुएशन हैं उनकी तरफ से भी बड़ा सख्त किस्म का जो है वो रद्दमल सामने आता है। और वैसे भी ज़ाहिर है हमारी सोसाइटी में भी इसका एक गलत इम्पैक्ट पाया जाता है कि जब एक पढ़े लिखे जो है तबके तो डॉक्टर जो वो महफूज नहीं है तो आम आदमी जो है वो, तो उस पर जो हमारी टीम ने काम किया तो वो अल्लाह के फजल से 7 तारीख की रात को ये एक मकाम पे गए जहाँ पे उन्होंने मुलजिम जिसका नाम है अब्दुल गयूम वल्दी मोहम्मदपुर उनको गिरफ़्तार किया और उन्होंने बताया पेशाब किया और उन्होंने क्वेश्चन की तो उन्होंने डॉक्टर साहब को किस वजह से जो है वो निशाना बनाया, तो वो चूँकि बाकी सारी तफसील जो है वो चूँकि इस वक्त तफ्तीशी मराहल में जैसी जो है ये कम्प्लीट हो जाएगी हम आप सारी डिटेल जो है वो आपको। सर इसमें इब्तदाई तहकीकात में मुहरिकात क्या बताए गए हैं इस टारगेट के? इसमें हम हर तरह से इस पर देखते हैं नई तहकीकात में, तो इस वक्त हम डॉक्टर साहब के जो है वो हम हॉस्पिटल में भी देख रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है और वो उसकी ऑलरेडी हालत जो है कोई सीरियस होती है तो वो फिर ये कहते हैं कि ये तो ना जो है उसकी डॉक्टर साहब ने इसकी जो है वो उसका इलाज नहीं किया या इस तरह की और चीज़ें, तो वो एक उसमें एक इंतकाम के जो है उसमें जा रहा है। तो सर जो वीडियो दिखाई गई है उसमें जो बच्चा लाया गया है उसमें ये नहीं है कि मरीज जो है वो एक असास सूरत हाल में, तो इस हवाले से कि बच्चे को निकालने के बहाने वो बंदा बोलिए उसमें दिखा रहे हैं, बच्चे को बता रहे हैं कि ये तबीयत सही नहीं है, इसको देख के वो डॉक्टर उस बच्चे को चेक कर रहा है तो इतने में वो प्रश्न निकालता है उसके साथ, तो क्या वजह अब तक तो वजह क्या सामने? बिल्कुल आपकी बात वजह है, मुरकात तो इसमें ज़ाहिर वो हैं, लेकिन ये कि तमाम हज़रात जो है वो हम तफ्तीश को बिल्कुल मुकम्मल इंतजा की तब आपको बता सकेंगे इस मौके पर इस तरह के फिलहाल। सर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एक बार फिर से खराब होती जा रही है, लॉन्ग लास्ट का जो सिलसिला है वो शुरू होगी, तो उसके लिए पुलिस के कर्मियों के गुजार के लिए एक दफा की ये जो आप निशानी कर रहे हैं 2-3 वाकियात के वो सयाब एरिए में हैं जहाँ पे ग्रेनेड के वाकियात हो रहे हैं, और उसमें अल्लाह का शुक्र है कि तो उसकी उसमें कोई अभी तक ऐसी कोई बेवकूफ़ी सामने नहीं आई है, तो बम ब्लास्ट ज़ाहिर है उसको आप नहीं कह सकते हैं, उसमें भी यार हमारी सिविली जो है वो कोशिश कर रही है और उसके भी इंशाल्लाह आप बातचीत करना चाह रहे हैं। सर सिविल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी क्या सुविधा है जो हम समझ रहे हैं डॉक्टर्स और जो डॉक्टर्स